शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला किया है। सामना में लिखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी राष्ट्रों में और जम्मू कश्मीर घाटी में हिंदुओं और सिखों पर हमले बढ़ गए हैं। उनकी ओर केवल हिंदू या सिख के रूप में ना देखकर हमारे खून का इंसान समझकर देखना चाहिए। बीजेपी के एक सरपंच व उनकी पत्नी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अनंतनाग में घर में घुसकर गुलाम रसूलदार और उनकी पत्नी जोहना बेगम को मार दिया गया। ये दोनों ही राष्ट्रवादी मुसलमान थे और उनके घर पर तिरंगा लहरा रहा था। सरकार ने पेगासस स्पाई यंत्र का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों का ठौर ठिकाना तलाशने के लिए किया है। इसके बजाय इसका उपयोग आतंकी यंत्रणाओं का ठौर ठिकाना तलाशने के लिए किया होता तो कश्मीर घाटी में अनगिनत बेगुनाहों की जान बच गई होती। सामना ने लिखा है कि धारा 370 हटाने के बाद भी घाटी का माहौल शांत नहीं हुआ और हजारों कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वचन सरकार पूरा नहीं कर पाई। पंडितों को डर लगता है कि घाटी के आतंकी उन्हें सुख से जीने नहीं देंगे, इसीलिए आतंकियों के पीछे पेगासस स्पाई यंत्रणा लगाकर पंडितों की जान की रक्षा करनी चाहिए। कश्मीर की शांति ये उपला उपरी है और आतंकी संगठन मौका मिलते ही सिर ऊपर उठाकर लोगों को मारते हैं। बेहतरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।